मनोज कुमार नाम के आदमी ने इसको बुरी तरह मारा, ईंट बांध के इसको पानी में डुबो दिया। इस खबर नूं सुन के तुसी भी हैरान रह जाओगे, अपना सिर फड़ लोगे अते कसम खाओगे कि ये छोटा जा जीव घर च किन्नी भी तबाही मचावे पर उसके खिलाफ अजिहा एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि तुहानू जेल जाना पै सकता है। मनोज कुमार नाम के आदमी ने इसको बुरी तरह मारा, ईंट बांध के इसको पानी में डुबो दिया। दरअसल यूपी के बंदायू जिले के पनवड़िया मोहल्ले च एक मनोज कुमार वालों चूहे की पूंछ नू पत्थर बन के बच्चों के नाल उसनू नाले च सुट दिता गया। उत्थे ही उत्थों गुजर रहे एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने देख के उत्थों अजिहा करन तो मना किया, पर इसके बावजूद चूहे नू नाले च सुट दिता गया। बड़ी ही मुश्किल दे नाल पशु प्रेमी विकेंद्र ने चूहे नू नाले तो बाहर कढ़िया, लेकिन उदों तक चूहा दम तोड़ चुका सी। हत्या का घटनाक्रम देख के पशु प्रेमी अते पीएफ दे मुखी विकेंद्र शर्मा ने मोबाइल च सारा माजरा कैद कर लिया। इस आधार से आरोपी शख्स के खिलाफ कोतवाली दे पशु नाल हिंसा दे अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। उधर इस पुलिस ने आरोपी नू फड़ के मामला तां दर्ज कर लिया। विकेंद्र ने पुलिस नू शिकायत दिती अते लाश दी पोस्टमार्टम कराउण दी मांग करन लग्या। उत्थे विकेंद्र ने वड्डे पशु अधिकारियों नू पत्र भी लिखे, जिस तों बाद पशु प्रेमी दे मंग नू ध्यान च रखदे होए चूहे दी लाश दे पोस्टमार्टम करवाउण दे लई आरवीआई जाण दा सुझाव दित्ता गया। उन पुलिस से बात हुई थी, वो कहते हैं कि चूहों को मारने की दवाइयां अभी बाजार में आ रही हैं। चूहों को इस तरह से मारा जाता है क्योंकि वो घरों में नुकसान करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं बन रही कि कार्रवाई की जाए। चूहों को मारने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें कुछ एनिमल्स को बर्मिन घोषित किया गया है जो मानव जाति के लिए खतरा होते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेट्स में ही परमिशन दी है। जैसे हिमाचल में बंदरों को मारने की परमिशन मिली, वो केवल वहीं किया जा सकता है जहां पर उनको मारने की परमिशन मिलेगी, वरना किसी भी एनिमल के लिए आप नहीं मार सकते बेवजह। उसको अरेस्ट किया सुबह 12 बजे से शाम तक कोतवाली में बिठा के रखा है अभी तक, बाकी अभी एफआईआर नहीं लिखी गई है ऐसा सुनने में आया है। मैं अभी थोड़ी देर में कोतवाली जाऊंगा, पता अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो आप आगे क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाऊंगा इसके लिए, यहां से कोर्ट भी जाऊंगा सेशन कोर्ट, उसके बाद मैं हाई कोर्ट तक चला जाऊंगा अगर इसमें इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी कोतवाल साहब। विकेंद्र चूहे की लाश दे पोस्टमार्टम करवाउण दे लई बरेली लैके आ गए, जिथे पोस्टमार्टम दे 7 दिन बाद रिपोर्ट आवेगी। फिलहाल ए मामला इन्हीं दिनी काफी चर्चा च है। जगबाणी टीवी दे लई बंदायू तो राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।